एक गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। एक क्लोज लुक लेते हैं। बेसिकली मैंने एक ये गोप्रो का जो है एक वॉइस के लिए लिया है ताकि मैं इसे कनेक्ट कर सकूं एक माइक में। एक मैंने माइक अलग से परचेज किया है। ये चाबी काफी खाली थी तो इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज मंगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवी त्रिपाठी है और आज मैं इस ब्लॉग में बेसिकली कुछ आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी दिन से मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जब आप बाइक राइड करते हैं तो आपकी बेसिकली आवाज़ नहीं आती, सिर्फ बाइक की आवाज़ आती। तो मैंने अभी कुछ एसेसरीज परचेज की हैं इसके लिए। तो एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी कि अब मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा डायरेक्टली, मतलब वॉइस के थ्रू ब्लॉग में बता पाऊंगा कैसा मैं फील कर रहा हूँ या कैसा लग रहा है मुझे बाइक चलाते टाइम पे। तो मैंने कुछ जो भी परचेज किया मैं बताना चाहता हूँ। तो एक क्लोज लुक लेते हैं। बेसिकली मैंने एक ये गोप्रो का जो है एक वॉइस के लिए लिया है ताकि मैं इसे कनेक्ट कर सकूं एक माइक में। एक मैंने माइक अलग से परचेज किया है, दिखाता हूँ। ये एक सिंपल सा माइक है बट ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसको मैंने अमेजोन से लिया है माइक को भी और इसको भी। ये नियरली 4000 का पड़ा है मुझे और ये कुछ ऐसे ही 150-200 रुपये का पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा है और मैंने अभी इसे ट्राई भी किया, आवाज़ भी अच्छी डिटेक्ट कर रहा है और बाइक का प्रॉपर साउंड, मतलब ये नहीं कि बहुत साउंड आ रहा हो, जितना अंदर मुझे सुनाई पड़ता है उतना ही आ रहा है, काफ़ी नॉइस को रिडक्ट भी कर रहा है। तो अगर किसी को लेना है तो ले सकता है अमेजोन पे। गोप्रो का ये कि कनेक्टर है और एक ये बेसिकली माइक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो 3.5 mm जैक का। हाँ, एक चीज़ और मैं काफ़ी दिन से फील कर रहा था, ये चाबी काफ़ी खाली थी तो इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज मंगाया है, देख सकते हो आप लोग। इसके लिए मैंने एक महीने वेट किया सिर्फ इसको कस्टमाइज बनवाने के लिए। आप एक चीज़ और देखेंगे, इसका कलर बिल्कुल मैच कर रहा है मेरी बाइक से। तो जो भी मार्केट में आते हैं उनका काफ़ी हद तक कलर भी मैच नहीं करता है, डार्क थोड़े से डार्क होते हैं, जैसे Z900 का डार्क ब्लू ग्रीन कलर आता है वैसा होता है। तो ये मेरी बाइक से ही मैच कर रहा है। कुछ अलग नेम भी है, Kawasaki। तो आई होप आप लोगों के नेम बहुत पसंद आया होगा और मैं इसको अपनी बाइक के बेसिकली गुच्छे में लगाऊंगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बेसिकली जब मैंने इसको पहली बार देखा था। एक कोई ब्लॉगर था US का, मैंने उसकी बाइक में देखा था ये लगा हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही लगाना चाहिए। ऑर्डर किया, नहीं मिल रहा था कहीं पर, मैंने काफ़ी मार्केट में भी ढूंढा, नहीं मिला। तो देख सकते हैं आप लोग, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग अभी बाइक में मैं चलाऊँगा तो देखेंगे कैसा लग रहा है। एक और चीज़ ली है, कुछ लोग बोल रहे थे आपका बेसिकली कैसा रिएक्शन रहता है वो शूट करने के लिए। मैंने अपना रिएक्शन शूट करने के लिए, अपने आप को शूट करने के लिए एक कैमरा मंगवाया है अमेजोन से। इसको मैं अपने बाइक में कहीं माउंट कराऊंगा, अभी मैं जगह सोच रहा हूँ कहाँ माउंट होनी है। आई होप ये यहाँ पर होगा कुछ ऐसा। ये स्क्रू काम करेगा, इसको मैं यहाँ पर करा के अपने चेहरे पर लगाऊंगा यहाँ पर कुछ ऐसा, ताकि ये मेरे चेहरे के रिएक्शन को रिकॉर्ड कर सके जब मैं माइक नहीं लगाए हूँ तब। हालांकि ऐसा होगा बहुत कम, तो आप लोग मेरा हेलमेट के साथ चेहरा देखेंगे। एक चीज़ और, अभी मेरी बाइक की सर्विस होके आई है। बाइक की सर्विस के बाद मैं बस लखनऊ से इसको लेके आया हूँ, मैंने काफ़ी हद तक इसको चलाया नहीं है, तो आज मैं इसको राइड करूँगा और आप लोगों को रिव्यू दूंगा कि सर्विस के बाद बाइक कैसी चल रही है। पहले हालांकि कुछ इसमें इशूज़ आ रहे थे, बाइक हीट बहुत कर रही थी, बंद भी हो रही थी, अभी मुझे वो शूज़ नहीं मिल रहे हैं। अब मैं चला के देखता हूँ, बताता हूँ कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा पिकअप है, कुछ और नई चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।